स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इंजरी में न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है आज, दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट एड। वर्ड भी पहला नहीं है, न्यू नहीं है हमारे लिए, और इसके बारे में हमें अच्छी तरह पता है कि फर्स्ट एड क्या होता है। कैन एनीवन टेल कि फर्स्ट एड होता क्या है? मयंक आप बताओगे बेटा, फर्स्ट एड किसको कहते हैं, किस चीज को हम फर्स्ट एड कहते हैं बेटा? यस मानसी आप बता दो, फर्स्ट एड क्या होता है बेटा? मैम फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। किसी भी इंजर्ड, या थोड़ा दूर बैठ जाओ ठीक है बेटा, ताकि मास्क की प्रॉब्लम। किसी भी व्यक्ति को जो बीमार है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंजर्ड, जो व्यक्ति बीमार भी है ठीक है ना बेटा, कई बार उसे भी जरूरत होती है, तो सबसे पहली हेल्प जो देती है, दी जाती है उसे, उसको मदद दी जाती है, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं ठीक है ना बेटा। ये ऑफिशियली टर्म जो है वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी बेटा, और उसके बाद इसका प्रचलन काफी ज्यादा हो गया, जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। और जिसको दी जाती है फर्स्ट एड या हेल्प दी जाती है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट एडर, या एडर बोला जाता है। एड का मतलब हेल्प होती है ठीक है। किसी भी प्रकार की चोट, बाय एक्सीडेंट, बीमार, वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स और गेम्स, जब हम किसी तरीके की चोट से, चोट लग जाती है हमें, या कोई हमें नुकसान होता है, तो उसके लिए जो मदद होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नॉर्मली फर्स्ट एड कहते हैं ठीक है ना बेटा। अब इसीलिए कहा जाता है कि जो फर्स्ट एड के बारे में या थोड़ा बहुत इन चीजों का ज्ञान हर व्यक्ति को होना बहुत ही जरूरी है ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड में ही नहीं होता, या रोड्स पर ही नहीं ऐसे मिसहैपनिंग्स होते हैं, इवन एट होम आल्सो, घरों में भी ऐसी चीजें होती हैं, ऑफिसेस वर्क प्लेसेस पर भी ऐसी चीजें होती हैं। तो इन चीजों को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं इमीडिएट, और हमारा इसमें एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट एड के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है या हमारा एम क्या है। इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है इंसान की जान बचाना ठीक है ना बेटा। मेन जो मोटिव या मेन एम या हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं फर्स्ट एड का, तो वो है सबसे पहले जान बचाना किसी की ठीक है। अगर मान लो रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, इफ यू फील कि ग्राउंड में खेलते हुए बच्चे को चोट लग गई है, या घर पर, कई बार हम देखते हैं ना बेटा कि हर चीज को हम क्यों कहते हैं सिस्टमेटिकली रखें, इवन घर पर ड्रॉप ऑफ वाटर, इफ वी इग्नोर दैट वाटर, और कई बार उसी के स्लिप करने से हम आमतौर पर देखते हैं कि हमें उसका हर्जाना बहुत देना पड़ता है, फ्रैक्चर्स वगैरह, डिसलोकेशन, या ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो लाइफ लॉन्ग हमें भुगतनी पड़ती है, डिफॉर्मिटी कोई ना कोई आ जाती है हमारे अंदर। तो इसलिए हमें फर्स्ट एड का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ अगर हम स्पोर्ट्स के लिए हैं तो वहां पर हमारे पास इस बॉक्स का होना बहुत जरूरी है। जैसे हम जब स्पोर्ट्स कॉलेज आपको या बच्चों को खेलने के लिए लेके जाते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट एड का या एक बॉक्स जो है, मेडिकल बॉक्स जो है, वो हमारे साथ रहता है। इवन अगर आपने देखा हो तो कारों में भी आमतौर पर जब कार मिलती है तो उसके साथ एक छोटा सा पाउच मिलता है जिसमें फर्स्ट एड की चीजें होती हैं। वर्क प्लेसेस पर भी ये रखा जाता है, वाई इफ एनी मिस हैपनिंग कैन हैपन, और तो और कोई जरूरी नहीं है, गिरने से मिस हैपनिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, और उसके साथ साथ उसकी हेल्प कैसे की जा सकती है, ये नॉर्मली चीज है। जैसे आम वर्क प्लेसेस पर फायर एक्सटिंग्विश लगाए होते हैं, लिफ्ट के बाहर लगे होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, ये किस लिए है? एनीथिंग कैन हैपन एनीवे, तो हम उससे बच कैसे सकते हैं, या अपने को सेव कैसे कर सकते हैं, या किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं उस चीज को बिफोर द कंट्रोलर शुड कम, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई और कंट्रोल करने वाला है, उसके आने से पहले पहले जो हमारे से हमें नॉलेज हो, बेटर नॉलेज हो, उसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट अपना कर सकें, ताकि मैक्सिमम लाइफ सेव कर सकें, या एक्सीडेंट आदि में जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है या स्पोर्ट्स पे, तो फटाफट हम इसको
ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला है, सबसे पहला मोटिव या सबसे पहला एम या सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है लाइफ को बचाना, ठीक है ना। जिंदगी को बचाना हमारा सबसे पहला काम है। फिर उसके बाद उसे प्रोटेक्ट फ्रॉम अनकॉन्शियस। कई बार आमतौर पे देखा जाता है बेटे कि सबके जो हम कहते हैं कि सबके मन या सबके दिल इतने बड़े या सबके एक तरीके के नहीं होते हैं। कुछ लोग थोड़ी सी चीज को देखकर भी घबरा जाते हैं और कई स्ट्रॉन्ग विल पावर के होते हैं जो कई चीजों को आसानी से फेस कर लेते हैं। लेकिन अब हर एक चीज का हमें इस चीज का तो ज्ञान नहीं हो सकता। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना बेटा। आमतौर पे जब बच्चे छोटे होते हैं ना घरों में तो पेरेंट्स का एक ही होता है, पंजाबी खासकर है ना, वो कीड़ी दा आटा गिर गया है ना। बच्चे को इसलिए मोटिवेट करना कि कोई बात नहीं, ठीक है, छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, बिकॉज देन ओनली ही कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। इसलिए ये क्या चीजें हैं, ये नॉर्मली रखी जाती हैं, या किचन वर्क्स में कई बार कई ऐसी चीजें होती हैं जो आसानी से हमें इंजरीज दे देती हैं, कटिंग विद द नाइफ, ठीक है, शॉक लगना, कई बार इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है उसके कारण होना, या ड्यूरिंग द कोल्यूशन ऑफ टू व्हीकल्स ऑन द रोड और एनी प्लेस, तो हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं। अब इंजरी को किस तरीके से फटाफट हैंडल करें ताकि वो वर्स कंडीशन में ना आए। फॉर एग्जाम्पल, ब्लीडिंग एकदम से बहुत ज्यादा हो गई है या ब्लीडिंग बहुत जल्दी हो रही है, हमारे पास जो भी चीज है, अगर सड़क पर है तो हो सकता है हमारे पास वो चीज नहीं है, घर पे तो नो डाउट, अगर हमारे कटिंग हुई है हम इमीडिएट बर्फ लगा लेंगे फ्रिज से निकाल के, या हम टैप वगैरह चला लेंगे, ठीक है ना, या उसको अपवर्ड कर देंगे या कुछ। लेकिन अगर जो भी चीज हमारे पास एट प्रेजेंट है ऑन द रोड और आइसोलेटेड प्लेस पे जहां पर इन चीजों का नहीं है, वहां पर हम उसे किस तरीके से बंद कर सकते हैं, उस ब्लीडिंग को किस तरीके से उस चीज को कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास बेटे, जो सफर कर रहा है, ठीक है, उसकी पेन को या उसके सफरिंग को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारे गिरने से हम गिरते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारी कंडीशन खुद उस काम को करने की नहीं होती, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ अदर पर्सन अगर वो हमें टर्न कर दे जिस साइड हम कंफर्टेबल फील करते हैं और उस पोजीशन पे हमें इमोबाइल कर दे, तो हमारे लिए वो क्या होगा, हमारे लिए वो पेन रिलीफिंग होगा टिल द टाइम एम्बुलेंस कम और टिल द टाइम अ डॉक्टर रीच, या फिर हम उसको हॉस्पिटलाइज ले हॉस्पिटल में लेके जाए उससे पहले पहले, ठीक है। और जो फर्स्ट एड का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑन द स्पॉट तो है हेल्प देना, लेकिन ये पूरी जो वर्किंग है टिल द टाइम अ पर्सन अगेन स्टैंड ऑन हिज लेग, यानी कि बिल्कुल ठीक हो जाए, तब तक का ये एम और प्रिंसिपल होना चाहिए कि हमें उसे डॉक्टर को, फिर हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किस तरीके के हॉस्पिटल में इस पर्सन को रेफर करना है। मान लो घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ, ठीक है, या इंजरी हो गई हेड इंजरी है, तो हमने ये नहीं जनरल फिजिशियन के पास उसे नहीं लेके जाना है या जनरल हमारे घर के पास ही हॉस्पिटल, वी शुड नो लिटिल बिट अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस समय हमें कौन सा हॉस्पिटल और नियर बाय कौन सी चीज है जिसमें हम उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ये है एम एंड प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड का, ये एम और प्रिंसिपल है। सबसे पहला है कि हमने उसकी जान को बचाना है या जानों को बचाना है। दूसरा, हमने अनकॉन्शियस उन्हें पॉजिटिव अप्रोच के साथ उनकी चीजों को ध्यान से देखना है, उसकी प्रॉब्लम को, और उसके बाद इंजरी या वो जो भी चोट लगी है या उसकी प्रॉब्लम जो है वो वर्स ना हो, उससे पहले उसे प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद हमें जो पेन है उससे उसे किस तरीके से रिलीफ दे सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं या उसे हेल्प कर सकते हैं। कई बार मॉरल सपोर्ट जो होती है पास में खड़े होने की, वो भी बहुत स्ट्रांग होती है अगर इन केस हो, ठीक है। ये है प्रिंसिपल्स। अब है कि नॉर्मली जो है एम, सॉरी, ये एम और ऑब्जेक्टिव्स है, प्रिंसिपल क्या है, इसके सिद्धांत क्या है फर्स्ट एड के, ये हमें पता चलना होना चाहिए।
इमीडिएट एक्शन लेना है। मान लो मेरे साथ ही जो पर्सन जा रहा है या मुझे हुआ, तो वी शुड नॉट क्रिएट पैनिक। ओहो क्या हो गया, ब्लडिंग ब्लड निकल रहा है, ये हो रहा है, इसका फ्रैक्चर, अब क्या करना। नो, यू शुड बी काम, आराम से उसको देखो और एक्शन लेना है। इफ यू नीड अ हेल्प ऑफ एनीवन, इमीडिएट कॉल करो, या कोई पास में है उसे बुलाकर उसे हेल्प देनी चाहिए। इमीडिएट पहला एक्शन जो है वो हमारा, इमीडिएट उसे हेल्प देनी है किसी भी तरीके की। अगर वो रोड के बीच में है तो उसे एक साइड पर किस तरीके से ट्रैफिक जो है आ रहा है उसके ब्लॉक होने के, या उसको और चोट ना लग जाए, उसे साइड पे हम आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प। डोंट पैनिक, लोगों का झुंड नहीं होना चाहिए, उसे फ्रेश एयर आनी चाहिए ताकि उसकी घबराहट जो है वो थोड़ी लूज हो, ठीक है। उसने अगर वेयरिंग जो है उसकी टाइट है सारी, तो जहां पर चोट लगी या फ्रैक्चर हुआ है उस जगह से उसे ढीला कर देना चाहिए ताकि उसे रिलीव मिले, क्योंकि फ्रैक्चर वगैरह में क्या होता है, वो पोर्शन जो है वो इमिडिएट स्वेल अप हो जाता है, वहां पर सूजन आ जाती है, जिसके कारण हो सकता है उसके सर्कुलेशन में वैसे भी प्रॉब्लम आ रही है और हमारे कपड़ों या किसी के कारण, तो वहां से कट डालकर उस चीज को रिलीव करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। और उसे तसल्ली देना भी कि इट्स अ वेरी माइनर थिंग, या फिर कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर आ जाते हैं या आपके घर के आ जाएंगे और आप आराम से जा सकते हो घर, या आपको कोई ना कोई हेल्प कर देगा, ठीक है। अवेयरनेस लोगों में भी इस चीज की होनी चाहिए कि हमने किस तरीके से डील करना है, ठीक है। वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर। अब आता है कि स्पोर्ट्स में कैसे है, ठीक है। वहां पर टीचर, कोचेस, ट्रेनर्स जो हैं, उन्हें फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज, जो हमने पहले भी किया है कि अगर कॉन्ट्यूशन है या एब्रेशन है या वूंड हो गया है या कट डल गया है या स्प्रेन हो गया है या स्ट्रेन हो गया है या एनी टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज देयर माइनर, और तो हमने क्या रोल प्ले करना है, ठीक है ना। ये टीचर, कोचेस, ट्रेनर, इवन द स्टूडेंट शुड बी अवेयर रिगार्डिंग दिस, ठीक है ना बेटा, कि हमने अगर हमारे पैर पर चोट आ गई है तो बेटर है कि उस बच्चे को वहां पर बिठा दिया जाए, ना कि उससे एक्टिविटी करवाई जाए कि कोई बात नहीं कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अगर लिगामेंट से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है, तो हमने वहां पर क्या करना है। अगर हमें पता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई है या एक्सटर्नल शो नहीं हो रहा, तो हमने उसके लिए किस तरीके की ट्रीटमेंट देनी है, जिसका मैंने आपको एक वर्ड बताया था, राइसर, ठीक है ना। चार दिन से वो बता रही हूँ राइसर वर्ड क्या होता है, जहां पर रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन और रिहैबिलिटेशन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज के लिए नहीं है। फिर अलग अलग जो फ्रैक्चर्स हैं उनके लिए हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली जस्ट फर्स्ट ट्रीटमेंट, आफ्टर दैट तो हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मे बी इट रिक्वायर्स अ स्टिचेस, मे बी इट रिक्वायर्स अ सर्जरी, व्हाट एवर इज देयर, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब अगर गर्मियां हैं, बच्चों को बाहर लेके जाना है, ग्लूकोज, पेन किलर, बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक, नॉर्मल क्रीम, सेवलॉन, डिटोल, ये सारी चीजें, सीजर, ये सारी चीजें हमारे बॉक्स में होनी बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट इन चीजों की सबसे पहले खेलते हुए बच्चों के लिए ये चीजों की जरूरत पड़ती है, जहां कहीं पर थोड़ी बहुत चोट लग जाए, ठीक है ना बेटा। ये इससे हम कॉटन रखना, ये चीजें, और यही चीजें, कुछ चीजें जो है वो हमारे घर में भी एक फर्स्ट बॉक्स बना हुआ, फर्स्ट एड बॉक्स बना होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके अंदर जो चीजें हैं, यह छोटी टॉर्च होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्यों होनी चाहिए, फोर्सेप वगैरह का होना बहुत जरूरी है फर्स्ट एड के अंदर, और इसके अवेयरनेस भी घर के मेंबर्स को होनी चाहिए, उसकी एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, ताकि इमीडिएट जब रिक्वायर्ड हो तो ये ना पूछा जाए कि जिस कहाँ पर है, कहाँ पड़ी है, किसने उठा के रख दी। नो, यूज इट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्लेस, वहां पर रखो जहां से
हर एक को आसानी से मिल जाए, उसके मिलने में तकलीफ ना हो या टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि फर्स्ट एड का मतलब ही यही है कि हमने किसी भी चीज को ज्यादा टाइम देके उसे वर्स नहीं करना है, हमने उसके मैक्सिमम फास्ट करके उसे वो रिलीफ देना है। इसलिए घरों में, स्कूलों में, वर्क प्लेसेस पे, हर एक जगह पर हमारे पास ये चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। क्रेप बैंडेज, नॉर्मल कॉटिंग, गॉज, कॉटन, डेटॉल, सेवलॉन, एंटीसेप्टिक क्रीम, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे पास होनी बहुत ही जरूरी है। इज इट क्लियर टू यू बेटा? ये चीजों का इस्तेमाल हम फर्स्ट एड में करते ही करते हैं, और फर्स्ट एड जो है उसके बारे में नॉलेज होना सबके लिए बहुत ही जरूरी है। इज इट क्लियर टू यू ऑल बेटा? इतनी समझ में आ गई बेटा? से यस और नो सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। नो आंसर। आपको समझ में आ गया बेटा कुछ? फर्स्ट एड हमारे लिए क्यों जरूरी है और कुछ बेसिक चीजें हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हम नॉर्मली ये चैप्टर में हमने जो किया है वो हमने रिगार्डिंग